हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इन दोनों तस्वीरों में से कोई एक तस्वीर आपको चुननी है। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि आने वाले 15 दिन में, नेक्स्ट 15 दिन में, यानी नेक्स्ट जो भी 15 दिन रहेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख लें, टाइमलेस वीडियो है, आपकी कौन सी इच्छा है ज़रूर पूरी हो जाएगी। अगर होना होगा तो वो भी दिख जाएगा, नहीं होने वाला होगा तो वो भी पता चल जाएगा कि नहीं, आने वाले जो 15 दिन है उसमें कोई विश है जो पूरी होगी या नहीं होगी, आने वाले दिनों में कोई अच्छा समय आएगा या नहीं आएगा। तो 15 दिन, ठीक है, देख लीजिएगा। तो बहुत ध्यान से इन दोनों तस्वीरों को देखिए। आपको जो भी तस्वीर अपनी ओर आकर्षित कर रही है, आपको अच्छा लग रहा है, जो भी जिस भी हिसाब से आप तस्वीरों को देख रहे हैं, पहले आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, फिर तस्वीरों को देखिए और कोई भी एक तस्वीर आप चुन लीजिए। फिर हम देखेंगे कि हमें क्या पता चलता है कि आने वाले जो 15 दिन आपके जीवन के हैं उसमें कौन सी ऐसी इच्छा है जो आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। आइए देखते हैं। पहले जिन लोगों ने भी तस्वीर नंबर 1 चुना है, आपकी लाइफ में आने वाला जो 15 दिन है वो कैसे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ठीक है, हाँ आप स्टूडेंट हैं, ये भी हो सकता है आप जॉब भी करते हैं, आपकी जॉब बहुत अच्छी, हाँ ठीक है, मतलब जॉब करते हैं आप एक ऐसे इंसान हैं और जो नौकरी भी करते हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, लेकिन जो चाहते हैं जीवन में उस हिसाब से चीज़ें चल नहीं रही हैं, लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा दिख रहा है, यानी कि बहुत चेंजेस हैं। हो सकता है कि आप अपनी जॉब जो कर रहे हैं वो जॉब आपको पसंद नहीं है, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो वो मौका भी आपको आने वाले समय में एक कहते ना रास्ता बनेगा, ठीक है, आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, आपके अंदर वो सोच आएगी कि हाँ शायद ये काम भी किया जा सकता है, यानी फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। आइए अब देख लेते हैं कौन सी इच्छा पूरी होगी। अगर आप घर बनवाने का सोच रहे हैं, अगर आप घर चेंज करने का सोच रहे हैं, या फिर आप कुछ अपने घर में कुछ नया करवाना चाहते हैं, ये सारा काम, मतलब घर से जुड़ा हुआ काम आपका पूरा होगा आने वाले नेक्स्ट 15 दिन तक, ठीक है। और ये चीज़ें दिख रही थी। अगर कोई चेंज है, पेड़ पौधे लगाना चाह रहे हैं, घर पेंट करवाना चाह रहे हैं, नया फर्नीचर लेना चाह रहे हैं, नया घर लेना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि इनकी संभावनाएं बनेंगी। फरवरी आपकी बर्थ डेट हो सकती है, सॉरी बर्थ का मंथ हो सकता है, 2 तारीख, 3 तारीख, ठीक है, जनवरी, ये सब चीज़ें हैं। आइए और देख लेते हैं कौन सी विश पूरी होनी है। वाह, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आप कोई लव पार्टनर ना हो तो वो उनसे मुलाकात होगी आपकी, अगर हैं तो बहुत अच्छा समय बीतेगा आपका उनके, अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे बात करने आएंगे, बहुत अच्छा समय आप दोनों बिताएंगे एक साथ। 15 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख, ये चीज़ें हैं, ये विषय है आपकी, ये विश पूरी होने वाली, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय आप बिताने वाले हैं। अगले 15 दिन की जो रीडिंग है वो चल रही है ना, वो चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1, तस्वीर नंबर 1 को चुना है, देखिए, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है, आपके लव पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, कुछ है, अगर बात नहीं हो रही है, ब्लॉक करके रखे हैं, या फिर तो आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो कॉल करेंगे, मैसेज कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन ये चीज़ दिख रही है। तो ये गुड न्यूज़ थी आपकी, आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। मैंने आपको हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से बता दिया, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि मुझे क्या चीज़ दिखाई थी। एक तो आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी अच्छा चेंज आपको देखने को मिलेगा, अगर बहुत समय से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे बात करेंगे, घर से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, कोई फर्नीचर खरीद सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं घर में जुड़ा हुआ, पेंट करवा सकते हैं, घर ले सकते हैं, या फिर घर खरीदने के लिए ज़मीन देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और यही पता चला मुझे नेक्स्ट 15 दिन में आपके साथ ये सब होगा। टाइमलेस वीडियो जब भी आप इसको देखिए ज़रूर कनेक्ट होगी आपसे ये सारी चीज़ें। उम्मीद करते हैं कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी तस्वीर नंबर 2 चुना है, 15 दिन में आने वाले समय में कौन सी इच्छा आपकी पूरी होगी। पहले हम देखेंगे कि आपका समय कैसा चलेगा नेक्स्ट 15 दिन तक, आपके लाइफ में क्या समय आपको देखने को मिलेगा, कैसा समय। मैंने कार्ड्स को ही उल्टा पकड़ लिया है यार, फिर से मैं इसको एक बार करती हूँ, गलत हो गया, ठीक है, चलिए। कार्ड्स इतने कम होते हैं ना कि ये सही से, लेकिन मुझे ये कार्ड्स बहुत पसंद है,
बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ें हमें बताते हैं ये कार्ड, बहुत कम है लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज़ जाननी होती है इस कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए देख रहे हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट 15 दिन में आपकी लाइफ में कौन सी इच्छा पूरी होगी। समय अच्छा बन रहा था लेकिन का कार्ड भी है आपके लिए बहुत अच्छा समय। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हो रही थी लेकिन आपके अंदर इतनी ज़्यादा अपनी जो कहते हैं ना आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है उसका कितना ज़्यादा आपके दिमाग पे असर पड़ा है कि आप अब थोड़ा सा अपने आप को बहुत डिप्रेस महसूस कर रहे होंगे, ठीक है, उलझन सा महसूस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आप नकारात्मक सोच में चले गए हैं क्योंकि आपने बहुत समय से इंतज़ार किया चीज़ों का। और उसके बाद ऐसा होता है कि जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं तो इंसान को मन नहीं लगता उस सब चीज़ में, और उसको उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना होगा, उससे बाहर निकलने के लिए आपको मैं सोचना होगा, मतलब अपने आप को आपको जगाना होगा। देखिए कोई बात नहीं, अगर आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया अब आपको सफलता मिल रही है उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मन नहीं लग रहा उस काम में आपको, मतलब ये है कि आपके लाइफ में चीज़ें आई हैं अच्छी लेकिन आपका मन नहीं लग रहा उसको करने में। इससे ये पता चल रहा है आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा असफल हुए थे कि आपके दिमाग पे बहुत भारी असर पड़ा उस चीज़ का। तो उसके लिए आपको ईश्वर में ध्यान लगाइए, प्रार्थनाएं कीजिए, योगा कीजिए और अच्छे अच्छे गाने सुनिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए मोटिवेशन के जिससे आप मोटिवेट होंगे और जो भी समय अच्छा आया उसका इस्तेमाल कर सकेंगे आप। जस्टिस का कार्ड आया यानी न्याय हो रहा है आपके साथ और न्याय आगे होगा भी आपके साथ, और सब कुछ करियर में काफ़ी चेंज आएगा आने वाले समय में। ये तो हमें पता चला आपका समय समय कैसा होगा नेक्स्ट 15 दिन तक। आइए अब देखते हैं आपकी कौन सी विश पूरी हो जाएगी, अगले 15 दिन में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। वाह, आपने लाइफ में बहुत उम्मीदें की हैं यानी आपने बहुत प्रयास किया है। 8 तारीख फरवरी अगस्त बहुत मायने रखता है आपकी लाइफ में। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं। एक कार्ड्स नीचे गिर गया आपके लिए आया था, देखते हैं क्या है उसमें। फरवरी फीमेल और एक बहुत खूबसूरत महिला, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग होंगे जो लाइफ पार्टनर खोज रहे हैं तो वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनसे दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं, कह दीजिएगा आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उधर से वो भी बहुत ही लाइक करते हैं आपको, जो भी पर्सन है मेल फीमेल। आइए देख लेते हैं और हमें क्या पता चल रहा है आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। देखिए ये कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मार्च मार्च फरवरी आपको थोड़ा सा हो सकता है कि लोग आपकी स्थिति को अभी समझ नहीं रहे हैं, जब आपकी इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान करके अलग हो जाने की ज़रूरत है। मतलब अलग का मतलब ये है कि ठीक है जब लोग आपकी ना सुने तो थोड़ा सा खामोश हो जाना चाहिए। आइए एक संदेश और देख लेते हैं उसके बाद हम रीडिंग को करते हैं बंद। तो बहुत अच्छा कार्ड आ गया, 7 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट है, 11वां महीना यानी नवंबर का महीना आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। पैसे का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी लाइफ में दिख रहा है कि बहुत जल्दी अच्छा समय आने वाला है, ठीक है। सॉरी तो हम इस रीडिंग की बात कर रहे थे, हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गए। आपके लिए ये कार्ड आया यानी कि 11वां महीना यानी नवंबर आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 2 तारीख बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, फरवरी का महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ का होगा। ये वो सब चीज़ें जिससे आप समझ सकते हैं कि रीडिंग आपके लिए ही है। और ये कार्ड आपके लिए आया, आपको पता है जब भी 777 आता है ना तो कितना पॉजिटिव कार्ड होता है यार, सबकी लाइफ में आना चाहिए ये 777। इसमें आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपका जीवन बदल सकता है। जब ये 3 साथ एक साथ आएंगे ना तो आपके जीवन को एकदम बदल देंगे। तो ये चीज़ आपके लिए बाद में आई है, आपको अभी ध्यान क्या चीज़ पे करना है, बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति को बताने की कोशिश नहीं करनी। मतलब आप ये मत कहें कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं ध्यान दीजिए मेरे ऊपर, लेकिन नहीं ध्यान देते ना लोग, ये कहते हैं कि मेरी बात को भी ध्यान दीजिए, नहीं समझ रहे हैं ना लोग। मत समझाइए उन्हें, मत समझाइए, अपने काम को करते रहिए। जिस चीज़ से आप बहुत डिप्रेस महसूस करते हैं अपने आप को, जो भी चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई ना उसको सुन लीजिएगा, अभी हम बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर से, वो समझ लीजिए क्या करना है आपको। अभी कुछ दिनों तक 15 दिन की रीडिंग थी ना ये, तो 15 दिन तक का समझ लीजिए,
अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करनी है, स्वयं में रहना है और थोड़ा सा अपने वर्क पे ध्यान देना है और पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव वीडियो देखने हैं, पॉजिटिव गाने सुनने हैं, मोटिवेशन वीडियो देखने हैं, चाहे तो साईं बाबा का संदेश आप रोज़ देखिए, ठीक है, वो देखिए अगर आपकी इच्छा के ऊपर है। और फिर देखिएगा ये जो 15 दिन बस ख़त्म हो रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे आप बार बार ये रिकॉर्डिंग करते समय डिस्कनेक्ट हो रहे हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको बंद करती हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।